हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन क्लासेस। आमे लास्ट क्लास रे द सॉलिटरी रिपर पोएम टी पढ़ी। आमे आज से पोएम रो क्वेश्चन आंसर पार्ट टी करिबा। देखो समस्ते पिले, लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओराली। यू मे रेफर टू द टेक्स्ट विथ योर वर्ल्ड नॉलेज टू लोकेट द फैक्ट्स और इनफॉरमेशन रिक्वायर्ड। एठी पिले तुम्हारा क्वेश्चन अच्छी, तुम तार आंसर देव। फर्स्ट क्वेश्चन टा तुमको गोटे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन अच्छी, एमसीक्यू पैटर्न रे, ठीक अच्छे। जो राइट आंसर तुम से पूर्व देख, अच्छी गोटे बॉक्स अच्छी, से बॉक्स ऊपर तुम तो कौन कर टिक चिन्ह मार, ठीक अच्छे। फर्स्ट क्वेश्चन देख, एक नंबर, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये जो पोएम टी आम पढ़ले, कौ पोएम पिले द सॉलिटरी रिपर, ए सॉलिटरी रिपर रो सेंट्रल आइडिया कौन। आम जो पोएम टी पढ़ले तार मुख्य आइडिया कौन थिला, कनसेप्ट मुख्य कनसेप्ट कौन थिला। गोटे अच्छे, रिपर्स कैन सिंग लाइक बार्ड्स, माने जे जो शस्य कटाड़ी, जो शस्य अमलकारी जो झीटी थिला, से लाइक बार्ड्स, सिंग लाइक बार्ड्स, माने से पक्षी मानक भली गीत गाईपे, एटा थिला तार सेंट्रल आइडिया। सेकेंड अच्छी, स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल, माने मधुर स्वर समस्त दृष्टि आकर्षण करूला, एटा हबो। तापर अच्छी थर्ड रे, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, सॉरी, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, माने अति सुंदर अनुभूति जोटा कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आमर हृदय रे माने बहुत दीर्घ प्रसारित माने प्रभाव पकई थाए। तापर फोर्थ रे अच्छी, रिच हार्वेस्ट मेक्स द रिपर हैप्पी, जोटा कि रिच हार्वेस्ट माने एठी रिच माने धनी नुह, एठी रिच माने होची माने अति सुंदर अमल जोटा कि मेक्स तैयारी करी थाए रिपर को हैप्पी, माने शस्य अमलकारी को खुशी कराई थाए। तो कौटा हम कौ पॉइंटा पिले तार सेंट्रल पार्ट हम, जोटा सेंट्रल पार्ट हम तापर तुम कौन कर पिले ठीक चिन्ह मार, कौटा पिले आमर राइट आंसर हम कौन, बीटा, माने स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल, माने सुंदरतम मधुर स्वर जोटा कि अपील्स माने होची दृष्टि आकर्षण करिबा, टू ऑल समस्त को दृष्टि आकर्षण कराई थाए। हाँ कि नहीं, से जो झीटी गीत गाला, जो पोएट विलियम वाट्सवर्ड जाऊ सहित पथचारी सहित, तो समस्त दृष्टि पूरा होल टोटल वैली रे हला, से झीटी एक्टिया माने गीत गाइबा सहित शस्य काटूला, शस्य अमल करूला, तो टोटल वैली रे कौन होता पिले, कौन होता है गीतटी समस्त दृष्टि आकर्षण करा। तो आंसर पिले कौन हम, स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल, बुझेगा। पर देख, सेकंड क्वेश्चन, द सेटिंग ऑफ द पोएम इज डैश। सेटिंग, सेटिंग माने हूँ कौन, पृष्ठभूमि, माने ये जो पोएम टी जो आम जो जाणिले तो सॉलिटरी रिपर पोएम टी, ए पोएम टी कौ जगार होता, माने जो पोएट विलियम वाट्सवर्थ कौ भली जगार से झीटी को देखिले कि से झीटी गीत गाऊँगी एवं से हार्वेस्ट नमर फसल अमल करुच्ची। तो यहाँ कौ जगार ये सीन होता, गोटे अच्छी ए रचित तो आरबियन डेजर्ट्स, माने आरबर मरुभूमि, ऑप्शन बी द ब्रिटिश आइल्स, आइल्स माने हूँ आइलैंड, स्मॉल आइलैंड जोटा कहते हैं। थर्ड रे कौन अच्छी, द हाइब्रिड्स आइलैंड्स है, डी अच्छी द माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो राइट आंसर पिले कौन हम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड रो एक माउंटेन, एक पार्वती अंचल रे जोटा कि वैली एरिया अच्छी है, से पोएम टी पॉइंट विलियम वाट्सवर्थ से पोएम टी क्रिएट करते, माने से ही एरिया रे, से जगह रे, से सीन देखिकी, बुझेला पिले। तापर देख नेक्स्ट, तीन नंबर, हु आर द पीपुल डेस्क्राइब इन द पोएम। ए पोएम रे कौ लोक मानक डेस्क्राइब कर, वर्णना कर। या पूर्व मुझे कहीदे पिले, जो मैंने नोट्स करने को चाहूँ ताहले www.odishaeeducation.com वेबसाइट रे विजिट करके ए समस्त क्वेश्चन रे आंसर तुम्हें इजिली पाइपर, ठीक अच्छे। देख ये तो एक नंबर आंसर देख सब मेल दि, देख पे आम तीन नंबर करते, देख हू आर द पीपल डेस्क्राइब इन द पोएम, ए पोएम रे कौ मानक डेस्क्राइब कर पिले, द पोएट को पोएट विलियम वाट्सवर्थ, आउ द किए एंड द सॉलिटरी रिपर, जिकि एकाकिनी शस्य अमलकारी जो झीटी है। तो आंसर कौन लिख, द पोएट एंड द सॉलिटरी रिपर डिस्क्राइब इन द पोएम। तापर देखो फोर्थ क्वेश्चन, हु डज द एक्सप्रेशन
Highland Lass referred to. Why does he describe her as yon solitary Highland Lass? ता माने कौन पिले? Who does the expression? माने जो Highland Lass माने कौन? माने Scotland रो पार्वत्य अंचल रे रहुथिबा सेई झियोटी ताको कौन कह जाय Highland Lass. The why does he describe her as yon solitary Highland Lass? काहे कि एठारे कवि के विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करिसेंती जे से झियोटी को माने किछि दूर रे थिबा यौन सॉलिटरी हाइलैंड लेस माने किछि दूर रे थिबा स्कॉटलैंड रे पार्वत्य अंचल रहुथिबा झियोटी काहे कि से एठारे हाइलैंड लेस को रेफर करिसेंती काहा को आंसर पिले कोन लिखिबो हियर हाइलैंड लेस रेफर्स टू द सॉलिटरी रिपर हुम द पोएट सॉ इन द वैली एठारे काहा को पिले से वर्णना करिसेंती जौठारे माने से जो पोएट जो वैली रे से रिपोर्ट से झियोटी को शस्य काटिबार देखिछंती ताकू से एठारे वर्णना करिछंती द पोएट डिस्क्राइब्ड हर योन सॉलिटरी हाइलैंड लैश कवि एठारे ताकू एई सेंटेंस रे वर्णना करिछंती बिकॉज कारण द गर्ल वाज अलोन ओवर देयर माने झियोटी एकुटिया थिला ओवर देयर माने होल वैली रे होल टोटल वैली रे से झियोटी एकुटिया शस्य काटुथिला बिसाइड्स द पोएट केप्ट दैट द गर्ल मस्ट बी ए नेटिव ऑफ द माउंटेन रीजन माने कवि एसबू माने ए सीन देखी कि भाबुथले कि झियोटी निश्चित भाव से नेटिव लैंड नेटिव माने कौन ता घर से ही एरिया रे हेथिबो से माउंटेन रीजन से माउंटेन रीजन एरिया रे से हेथिबो बोली कवि एठारे भाविकी सेथिपाई से कौन करथिले एई सेंटेंस टी लेखिथिले यौन सॉलिटरी हाइलैंड लेस बुझियला ता पर देखो फिफ्थ व्हाट इज द गर्ल डूइंग झियोटी कौन सेठारे कौन करूथिला द आंसर पिले कौन लिखिबो द गर्ल इज कटिंग द ग्रेन्स शस्य काटुथिला एंड बाइंडिंग देम ताको बांधुथिला एंड एट द सेम टाइम सी सिंगिंग ए सॉन्ग एवं सही समय रे एका समय रे से गीत गाउथिला शस्य काटुथिला शस्य बांधुथिला सिक्स्थ Who does the poet say stop here or gently pass? Why does he say so? माने who does the poet say? माने कवि एठारे काहा को कहि चंदी stop here or gently pass? एठारे रही जाओ नहले धीरे धीरे चली कि जाओ. Why does he say so? से काहे के कथा कहि चंदी. आंसर बोले कोन लिखिबो The poet says that anyone passing by should either stop here or gently pass. माने तांको सहित जे भी जीवासा करू चंदी पथिक सेई मानु कहि चंदी कि तमे either रही जाओ either धीरे धीरे जाओ. He says so that the girl will not disturbed in her singing. से कहि चंदि कि एपरि से काहे कि कहिले स्टॉप हियर और जेंटली पास एथि पई कहिले कि से झियोटी जो एते सुंदर भाव रे गीत गाउछि ता गीत गाइबार डिस्टर्ब होबो सेथि पई तमे पथिक भाई माने तमे कोन कर आइदर रही जाओ नहले धीरे धीरे चली कि जाओ. नेक्स्ट देखो सेवेंथ पिक आउट द वर्ड्स व्हिच टेल दैट द गर्ल डज नॉट हैव एनीवन बाय हर साइड एमिति किछि वर्ड कलेक्ट करो माने एई पोएम रे थिबो हला एई पोएम रे द सॉलिटरी रिपर ए पोएम रे थिबो एमिति किछ वर्ड कलेक्ट करो जो वर्ड रे कि सुचौथिबो कि से झियोटी एकुटिया से झियो साइड रे से झियो पाखरे केही भी नथिले. आंसर कोन लिखिबो द वर्ड्स लाइक सॉलिटरी सिंगल एंड अलोन टेल दैट द गर्ल डज नॉट हैव एनीवन बाय हर साइड हला एई तीनोटी वर्ड्स. सेकंड एइथ व्हाट इज द टोन ऑफ हर सॉन्ग हैप्पी सैड सूथिंग और सिंपैथेटिक से झियोटी जो गीत गाउथिला केई भली टोन रे से गीतटी गाउथिला. आंसर पिले कोन लिखिबो द टोन ऑफ हर सॉन्ग इज सुथिंग माने शांत करि देबो शांत तुष्ट करिबा शांत करिबा माने ता गीत जे भी सुनिबो समस्त शांत होइ जिवे तुष्ट होइ जिवे हला समस्त को भलो लागिबो सुमधुर लागिबो से गीतटी. नेक्स्ट नाइन्थ ओवरफ्लोइंग विथ साउंड एक्सप्लान ओवरफ्लोइंग विथ साउंड माने से जो स्वरटी से जो से झियोटीर जो माने सुमधुर स्वर ओवरफ्लो हुए माने उछुली परे विथ द साउंड से ता झियोटीर सुमधुर स्वर रे से होल वैली लोनली वैली ठीक कौन ही पारे बोले ओवरफ्लो हो जाए तो एक्सप्लेन करो सही सेंटेंस टा को. आंसर पिले कौन लिखिबो द पोएट फाइंड दैट ए यंग गर्ल सिंगिंग एंड एनचांटिंग सॉन्ग इन ए लाउड वॉइस कवि देखिले कि झियोटी एते सुंदर भाव रे गीत गाउची जोरा कि तार सुंदर लाउड वॉइस उच्च वॉइस रे से समस्त के एनचांट कर दउची मनमुग्ध कर दउची द एंटायर वैली ओवरफ्लोइंग विथ हर ब्यूटीफुल वॉइस द पूरा टोटल वैलीटा एंटायर वैली होल टोटल वैलीटा कौन हो जाऊँ ओवरफ्लो हो जाऊँ झियोटीर साउंड रे झियोटीर सुंदर मधुरतम स्वर रे ओवरफ्लो हो जाऊँ पूरा उछली उठुची. नेक्स्ट टेन्थ
द सॉलिटरी रिपोर्ट सॉन्ग रिमाइंड्स द पोएट ऑफ अदर सिंगर्स हु आर दे तार अर्थ कौन पिले ता माने कौन कवि ए जो से झीओटी गीत को से आउ कहा कहा सहित आउ कौ कौ सिंगर मानक सहित से माने मने पकाई एक झीओटी गीत सुनिक से आउ कौ कौ माने गीत को से मने पकाई एठारे हु आर दे कौ माने से माने आंसर पिले कौन लिखिब द सॉलिटरी रिपोर्ट सॉन्ग रिमाइंड्स द पोएट ऑफ अदर सिंगर्स कौ मानक दे आर द नाइटिंगेल एंड द कुकू मैं नाइटिंगेल पक्षी आउ कुकू बार्ड मानने कोईलीर गीत सहित से तुलना कर मन पकई से दुईट पक्षी को ए झीटर गीत शुणी ताप देख इलेवेन्थ हु सिंग्स वेलकम नोट्स फर हुम व्हाट फॉर किए गीत गाई वेलकम नोट्स मान कौन स्वागत हेला स्वागत भरा गीत किए एठार गीत गाई फर हुम कापाई फट फर कौपाई आंसर पिले कौन लिखे द नाइटिंगेल सिंग्स वेलकम नोट्स इन द सैडी प्लेसेस एमंग द अरेबियन सेंट्स फर द टायर्ड ट्रैवलर्स टू वेलकम एंड सूथ देम ता माने कौन पिले माने अरेबियन सेंट जो आरबर मरुभूमि जो क्लांत टायर्ड ट्रैवलर्स मैंने सब जाती पथचारी मैंने जाती से माने नाइटिंगेल पक्षीर ओ माने वॉयस रे से माने कोन हे जानती पिले शांत हो जानती आ तुष्ट होई कि से माने सेडी हॉर्न छाई गछ तळे से माने ए नाइटिंगेल पक्षी रो स्वर को सुनी कि से माने आनंद लाभ करंती तो एडा कोउ पक्षी परे नाइटिंगेल पक्षी कोउ मानन को पई माने टायर ट्रैवलर्स हला तब देखो 12 ए नाइटिंगेल पक्षी रो स्वर को एठे कवि का सहित तुलना करचंती सेई रिपोर्ट्स ए जो झियोटी रो स्वर को 12th Whose voice is thrilling? Thrilling माने कौन मनमुग्धकर रोमांचकर कहार भयस एटी रोमांचकर हिची कहार भयस को कवि एठारे रोमांचकर बोली कहिचंती कहार भयस पिले कुकुबार्ड हला झियोटीर स्वर को भावे कुकुबार्ड एटा पिले तुम फोर्थ नंबर स्टांजारे रही ठीक अच्छे फोर्थ नंबर स्टांजारे एटा रही आंसर लिख कुकुबार्ड्स भयस इज थ्रिलिंग 13th Where does it sing when? कुकुबार्ड पिले कौटी गीत गाए एवं केते बड़े इट सिंग्स इन द मोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द सी इन स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड रो पिले जो आइलैंड देखले स्कॉटलैंड नेदरलैंड हैला इंग्लैंड माने सेटी सब ग्रीनलैंड इट सब लैंड पिले हैला आइलैंड माने सब द्वीपपुंज रो समष्टि माने सब बहुत गुड़ा द्वीपपुंज अछि आइलैंड अछि सेति पई कोन अछि इट सिंग्स इन द मोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द सी इन स्कॉटलैंड इन द स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग माने कौन बसंत ऋतुर से जो समुद्र द्वीपपुंज जो समुद्र द्वीपपुंज जो स्कॉटलैंड जो सब आइलैंड अछि सेई आइलैंड रे से स्प्रिंग सीजन ले ए कुकुबार्ड कौन करे ए गीत सब गाई थाए तापरे 14th हु डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर द फार्मर गर्ल विथ व्हाई एठारे कवि विलियम वर्ड्सवर्थ झीओटीर भयस को कौ पक्षी मानक सहित भय सहित से कंपेयर करिछन तुलना करिछन व्हाई काहेकि आंसर कौन लिखिबो वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द फार्मर गर्ल विथ द नाइटिंगेल एंड द कुकुबार्ड बिकॉज कारण हर टोन वाज एज मेलोडियस एज द कुकु एंड नाइटिंगेल्स मेलोडियस मेलोडियस माने कौन माने से जो मनमुग्धकर अति सुंदर माने नाइटिंगेल पक्षी आ कुकुबार्ड भलिया तांको भली सुंदर वॉयस को कवि एठारे झीओटीर वॉयस को तुलना करिछंती कंपेयर करिछंती नेक्स्ट देखो 15th द पिजन गर्ल्स सॉन्ग इज नॉट इंटेलिजिबल टू द पोएट बिकॉज इंटेलिजिबल माने हुची स्पष्ट पिजंट माने हुची कोनो चासी हला द पिजन गर्ल्स से चासी घर झीओ जो किए से जो सल्द सॉलिटरी रिपोर्ट से चासी झीओटी जो गीत गाउथिला ता गीतटी कवि को इज नॉट इंटेलिजिबल ताको स्पष्ट शुभु नथिला व्हाई काहेकि तो चारटा ऑप्शन अछि राइट ऑप्शन जुरा से तमे कोन करबो ठीक चिन्ह मारिबो देखो उडो अछि हर सॉन्ग इज इन ए डायलेक्ट ही डज नॉट अंडरस्टैंड डायलेक्ट डायलेक्ट माने स्थानीय भाषा जोरे कि आंचलिक भाषा तार गीतटी स्थानीय आंचलिक भाषा थिला सेति पई कवि सेटा बुझि पर नथिले ऑप्शन बी ही इज फार अवे टू हियर द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग से ही इज फार अवे टू हियर द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग माने से दूर रहिले सेति पई तांको शुभु नथिला हर वॉइस इज नॉट क्लियर एज सी इज हमिंग द वर्ड्स
माने से झीओटी गुणु गुणु हमिंग माने हूँ गुणु गुणु से गुणु गुणु गाउथिला जोटा कि राइटर को शुभु नथिला क्लियर से हार भॉयस इज टू सॉफ्ट फॉर हिम टू गेट से झीओटीर भॉयस एते कोमल माने एते से स्लो सॉफ्ट एते धीरे थिला कि कवि सेठारे सुनि पार नथिले तो आंसर पिले कौन लिखिब राइट आंसर कौन हम हर सॉन्ग इज इन ए डायलेक्ट ही डज नॉट अंडरस्टैंड से झीओटी बोध हुए कौन कर स्थानीय भाषा आंचलिक भाषा गीत गाँव जोटा कि कवि ये ठीक से बुझी पार नथिले कवि जानता गीत शुणी से गेस करुले अनुमान करुले से मेलानकोली सॉन्ग गाँवी किंतु से ठीक से बुझी पार नथिले कहीं से झीओटी निजर स्थानीय भाषा से गीत गाँव निजर आंचलिक भाषा तापर देखो ने व्हाट डज द फ्रेज हम्बुल ले मीन हम्बुल ले र अर्थ कौन हम्बुल माने हुची नम्र ले माने हुची गीतिकाव्य नम्र गीतिकाव्यर अर्थ कौन द आंसर पिले कौन लिखिब द फ्रेज हम्बुल ले मीन्स ऑर्डिनरी सॉन्ग साधारण गीत कवि कौन पिले जो विलियम वर्ड्सवर्थ से साधारण ऑर्डिनरी सॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल माने साधारण गीत गाउँली लोक मान से कौन कर पिले ତାଙ୍କ ନିଜ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ସେଟା ଏଇଟା ପିଲେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସାଧାରଣ ଗୀତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ ମାନେ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ତାପରେ ଦେଖ ସେଭେନଟିନ୍ଥ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ରେଫର୍ସ ଟୁ ସ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତ ସ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଏନାଦର୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ କ୍ୟାରିଂ ଦ ସେମ୍ ମିନିଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେହିଭଳି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଜ୍ କୁହ ତାର ଅର୍ଥ ବି ସେଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆମେ ଏଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ସେ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ହିଁ ତମ ପୋଏମ୍ ତମ ବୁକ୍ରେ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ରେଫର୍ସ ଟୁ ସେଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତାର ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ରେଫର୍ସ କାହା ଉପରେ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତକୁ ସେଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଏନାଦର୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ କ୍ୟାରିଂ ଦ ସେମ୍ ମିନିଂ ଇଜ୍ ମେଲାନକୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହଁ କି ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୀତ ମେଲାନକୋଲି ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଭରା ପଢ଼ିଛେ ପିଲେ ଆମେ ପୋଏମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ଫ୍ରେଜ୍ କାଢ଼ିପାରିବା ମେଲାନକୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ଏଇଟିନ୍ଥ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ମିନ୍ ଟୁ ସେ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଆର୍ ସଙ୍ଗ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡିଂ ପୋଏଟ୍ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସତେ କି ତା ଗୀତର ଶେଷ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହାର୍ ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ତା ଗୀତଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସି କିପ୍ସ ଅନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ସ ନଟ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ସେ ଗୀତ ଏପରି ଗାଉଛି କି ତା'ର ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସିମ୍ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ ଗୀତର ଶେଷ ନାହିଁ ଦ ପଏଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଦ ସଙ୍ଗ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପଏଟ୍ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ଗୀତକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦ ସଙ୍ଗ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଥିମ୍ ହୁଇଚ୍ ରିସାଇକଲ୍ସ ମାନେ ସେ ଗୀତଟି କ'ଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ଏଭର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ପୋଏମ୍ ମାନେ ସେ ଝିଅଟିର ଗୀତରେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଥିଲେ କି ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଆର୍ ସଙ୍ଗ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡିଂ ଏହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ କ'ଣ ଆସିବ ସି କିପ୍ସ ଅନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ସ ନଟ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ସେମାନେ ସି କିପ୍ସ ସେ ମାନେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ଗୀତରେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଗୀତଟି ସେତେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବେଲେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ଗୀତଟିର ଶେଷ ନାହିଁ ସେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଗୀତଟି ବାରମ୍ବାର କବିଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରୁଥିଲା କବିଙ୍କ ହାର୍ଟରେ ହୃଦୟରେ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ବୋର୍ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଲାଇନ୍ଟି ବୋର୍ ମାନେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିବା ତାପରେ ନାଇନଟିନ୍ଥ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲିସନ୍ସ ମୋସନ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିକଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲିସନ୍ସ କବି ଏଠାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋସନ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋସନ୍ଲେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗତିବିହୀନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଷ୍ଟିଲ୍ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ ସରି ବିକଜ୍ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୋସନ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ The rich melodious voice of the singer holds him mesmerized and spellbound. ମାନେ ସେ ସିଙ୍ଗର ସେ ଝିଅଟିର ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଭଏସ୍ ତା'ର ମନମୁଗ୍ଧକର ଭଏସ୍ ସ୍ୱରଟି କବିଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ମେସ୍ମେରାଇଜଡ୍ କରୁଥିଲା ମେସ୍ମେରାଇଜଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସମ୍ମୋହନ କରିବା ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେଲବାଉଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ହି ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱାକିଂ ଅପ୍ ଫିଲ୍ଡ ସେ ପାହାଚ ସରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ଦ ୱାର୍ଡ୍ସ
एंड रिदिम ऑफ द सॉन्ग से चाहूँ शिक्षा करिया पाई से गीतर अर्थ कौन एवं तार रिदिम तार जो रिदिम रिदिम माने कौन से गीतटर जो कौ कौ रिदिम रे से गाउची एवं तार अर्थ जानिया पाई चाहूँ से कवि मोशन लेंस एंड स्टिल हो जाए। फोर्थ रे ही इज रोटेड टू द स्पॉट बाय गर्ल्स ब्यूटी से झीटर सुंदरता को से माने कौन करते पिले से पूरा मजी हजि जाते से तो राइट आंसर बोले कौन हम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर होल्ड्स हिम मस्मराइज एंड स्पेल बाउंड से झीटर जो झीटर वॉइस रे से कवि पूरा कौन हो जाते सम्मोहन हो जाते मंत्रमुग्ध हो जाते से झीटर गीत स्वर से पूरा हजि जाते से मोशनलेस एंड स्टिल से कहले कि आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल है। देख 20 हाउ डिड द सॉन्ग अफेक्ट द नैरेटर किभली भाव नैरेटर माने किए पोएट किभली भाव पोएट को एठारे गीतटी एफेक्ट करिछि प्रभावित करिछि गीतटी आंसर कौन लिखिब द सॉन्ग मेस्मराइजेस द नैरेटर एंड द बियर्ड्स इट इन हिज हार्ट एज ए मेमोरी माने मेमोरी कवि कवि हृदय गोटे मेमोरी हो जाए एक माने कौन हो जाए गोटे मानने स्मृति हो जाए मैंने हृदय पूरा प्रतिध्वनि करुच्ची से झीटर से रिपर रीतने तापर देख 21 इन स्टांजा 1 इन स्टांजा 2 फोर वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड टू शो दैट द गर्ल वर्किंग इन द फील्ड्स इज विदाउट एनीवन बाय हर पिक आउट दिज वर्ड्स एंड फ्रेजेस एटा बोले सेम टिके प्रीवियस क्वेश्चन आम ये करते यार अर्थ कौन आम पोएट जो पोएम टी पढ़ले स्टांजा 1 स्टांजा 2 रु एमती किसी फ्रेज अच्छी एमती किसी वर्ड्स अच्छी तार अर्थ हो लोनली माने एकुटिया आम वर्ड्स यो फ्रेज को आम पढ़ी जाना कि से झीटी एकुटिया शस्य काटुला से झीटी पाखे कहीं नथिले से एकुटिया सिंग माने से एलोन शस्य काटुला सॉलिटरी तो कौ स्टांजा 1 स्टांजा 2 आम कौ सब वर्ड्स फ्रेजेस कलेक्ट करवा देख इन स्टांजा 1 इन स्टांजा 2 फोर वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड टू शो दैट द गर्ल वर्किंग इन द फील्ड्स इज विदाउट एनीवन बाय हर माने ता पाखरे केही नथिले से एकुटिया शस्य काटुला दिस वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर सिंगल सॉलिटरी एलोन बाय हरसेल्फ कोट्स बाइंड्स एंड सिंग्स यही सब वर्ड रे आम जापर ए सब वर्ड तुम बुक रे ही अच्छी तुम पोएम रे अच्छी तब 22 देख द थीम ऑफ द सॉलिटरी रिपोर्ट सॉन्ग कंटेन सैडनेस यो झीटर गीतटी जो एकाकिनी शस्य अमलकारी तार गीतटी कंटेन्स कौन पे जड़ित सैडनेस दुखरे व्हाट अदर वर्ड्स आर द यूज इन प्लेस ऑफ सैड आम सैड सैड दुख जो सैड वर्ड परिवर्ते आम कौ कौ वर्ड बसे पारिबा तार अर्थ मीनिंग समान ए सब वर्ड्स कौट अच्छी तुम बुक रे ही अच्छी तुम बही तुम से पोएम रे अच्छी आंसर कौन लिखिब द थीम ऑफ द सॉलिटरी रिपोर्ट सॉन्ग कंटेन सैडनेस से झीटी जना पड़ा कि झीटी दुख भरा गीत गाँची द अदर वर्ड्स used place of set ame set badalare anya word use kari pariba kon kon melancholy plaintive unhappy sorrow charita jaka word tuma book re achi step by step achi hela melancholy first achi tar plaintive unhappy sorrow ei tar artha sabu kon set song tapre 23 what are the two synonyms for the young girl she is a young girl taruna juvati taruna jhero तर आम सिनोनिम सिनोनिम माने कौन समचारित अर्थ मैं तर सेम मीनिंग आम कौ वर्ड दे पारिबा आंसर कौन लिख द टू सिनोनिम्स फॉर द यंग गर्ल आर लैस एंड मैदान ए दुटा जाक लैस एंड मैदान पे तुम बुक रे ही अच्छी तुम पोएम रे अच्छी खाली माने पे जाना दरकार तुम जब माने जाना ना इजिली तुम लिखिपार से समस्त मीनिंग भी जाना मोस्ट नेसेसरी तब देख 24 थ्री अदर वर्ड्स आर यूज टू मीन सॉन्ग व्हाट आर दे ता माने कौन पिले ए जो सॉन्ग गीतर अर्थरे आमे आउ तीनोटी वर्ड कौन करिबा दे पारिबा से जो गीतर मीनिंग रे माने गीत प्रतिबदल रे आमे आउ किछि वर्ड लिखिबा तार अर्थ भी सॉन्ग जेमते आमे लेखिले यंग गर्ल को आमे लैस मैदन भी लिखिपारिबा मैडन भी लिखिपारिबा सेमते सॉन्ग को आमे कौन लिखिपारिबा
थ्री अदर वर्ड्स आर यूज टू मीन सॉन्ग दे आर नोट्स स्ट्रेन नंबर्स यार अर्थ सब कौन सॉन्ग सिनोनिम कौन सॉन्ग तब 25 ए मेलानकोली स्ट्रेन इन स्टांजा टू मीन सैड सॉन्ग मेलानकोली अर्थ कौन दुख भरा गीत सैड सॉन्ग फाइंड आउट अनदर फ्रेज इन स्टांजा फाइव विथ सिमिलर मीनिंग तुम्हें स्टांजा टू रे देख सैड सॉन्ग देख ल मेलानकोली स्ट्रेन मैंने सेमती स्टांजा फाइव एमती गोटे फ्रेज देख तार अर्थ भी से सैड सॉन्ग और मेलानकोली स्ट्रेन देख पिले आंसर कौन लिख ए मेलानकोली स्ट्रेन इन स्टांजा टू मीन सैड सैड सॉन्ग अनदर फ्रेज इन स्टांजा फाइव द सिमिलर मीनिंग इज प्लेंटी नंबर्स देख पिले तुम्हें एवं भी चाहिए तुम बुक रो पांच नंबर स्टांजार देखिपर कौन प्लेंटी नंबर्स मान हूँ सैड सॉन्ग और मेलानकोली स्ट्रेन ठीक अच्छे बुझिपार तापर देख 26 हुईज वार्ड इन स्टांजा फाइव एक्सप्रेस इज द पोएट्स गेस स्टांजा फाइव तुम कौ वार्डटा तुम कौन कर पोएट्स गेस माने गेस मैंने कौन अनुमान करवा कवि अनुमान करुँचली स्टांजा फाइव कौ वार्डटा तुम एक्सप्रेस करौछि सूचित करौछि द वार्ड पराहाब्स पराहाब्स मैंने बोध हुए मैंने कवि बोध हुए अर्थ कौन अनुमान करवा गैस करवा जो पाराहाब्स बोध हुए तार अर्थ पाराहाब्स अर्थ हूँ बोध हुए तो यही वार्ड रु स्टांजा फाइव जो यही वार्डटा अच्छे आम यही वार्ड देखिक जापे कि कवि गैस करुमान कर आंसर पे कौन लिख द वार्ड पाराहाब्स इन स्टांजा फाइव एक्सप्रेस द पोएट्स गैस ठीक अच्छे पे समस्त बुझीपार जो मैं नोट करने चाहो ओडिशा ई एजुकेशन डॉट कॉम वेबसाइट विजिट करके क्वेश्चन आंसर तुम इजिली पाइपर ठीक अच्छे पे मैंने नेक्स्ट क्लास रे हमें लेट्स एप्रिसीएट द पोएम पढ़ा मैंने क्वेश्चन आंसर करवा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू।